Yes, dear students, good morning. How are you? All is fine. Very good. I am Uma from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. Welcome in your online study. Yes, I am going to start chapter 7 of class 6, Fair Play. It is about two friends, Jumman and Algu Chaudhary. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. ये स्टोरी है दो दोस्तों की, एक का नाम जुम्मन होता है और एक का अलगू चौधरी। दोनों फ्रेंड होते हैं लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिससे इन दोनों में दोस्ती टूट जाती है, लेकिन बाद में वापस से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो इसके बारे में है ये लेसन, हम आज इसका एक्सप्लेन करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, मतलब दोनों अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. मतलब ये क्या होता थे कि जब भी जो बाहर जाते थे एक दूसरे की फैमिली का मतलब ध्यान रखते थे, और मतलब बहुत फेमस थे ये लोग सब। इन दोनों की दोस्ती की क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, जुम्मन की एक आंटी होती है, आंटी बुआ कुछ भी कह सकते हैं, जो उनके पास क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, बहुत पैसा होता है। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देती है संपत्ति उसको जुम्मन को, कि भाई मेरी देखभाल करेगा, मेरा तो कोई है नहीं, तो करके इसके नाम कर देती, किसके नाम, जुम्मन के नाम। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर। मतलब उन्होंने थोड़े साल तो उनकी मम्मी की आंटी की मतलब आंट की सेवा करी, फिर क्या होता है, देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन फिर स्थिति चेंज हो जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। मतलब अब वो थक गए थे, वो जो आंट थी ना उसकी सेवा करते करते दोनों, इनका परिवार थक गया था। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। मतलब अब वो काम करते करते ऊब से गए थे कि भाई उसकी सेवा करते करते। हु ग्रज इवो द लिटल फूड दैट द फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। मतलब अब उनको रोज़ खाना खिलाते खिलाते वो एकदम से मतलब परेशान हो गए थे। सी सॉलो दिस इंसर्ट अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, बट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट्स। अब वो भी इसको सहन करते करते वो भी देखने लगी थी, क्या है मुझे ऐसा कम खाना देते हैं, ऐसे देते हैं। तो आंटी की भी पेशेंट होती जो टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। मतलब उसकी आंट बोलती है एक दिन कि माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। वो कहती है कि देखो तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझे ऐसे लगता है, तो आप मुझे है ना अलाउंस दे दो, महीने का कुछ भत्ता दे दो, पैसा दे दो, जिससे मैं अपनी अलग से किचन बना लूँ, रसोई बना लूँ, अपना खाना खुद पकाऊँगी। My wife knows best how to run the house. वो कहते नहीं, मेरी बीवी जानती है अच्छे से कि मैं परिवार कैसे चलता है। Be patient, said Jumman shamelessly. मतलब बेशर्म से बोलता है कि धीरज रखो हम आंटी। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. मतलब आंटी को ऐसे बेशर्म से बोलता है ना तो वो गुस्सा आ जाता है, वो कहती मैं ना ये केस पंचायत में ले जाऊँगी। गाँव में तो क्या होती है, पंचायत होती है, तो ओके मैं पंचायत में जाऊंगी केस। किस लिए जाएगी, कि सारी संपत्ति इसने जुम्मन के नाम कर दी, लेकिन जुम्मन इसकी ढंग से सेवा नहीं करता, तो आंट को क्या जाता है, गुस्सा आ जाता है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। सम सिंपथाइज विथ हर, अदर्स लाफ्ड एट हर, एंड अ फ्यू अदर एडवाइज हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। मतलब वो ऐसे गांव में सबको बताती है कि देखो मेरे साथ ऐसे करते, तो आधे तो कहते हैं देखो इसका कुछ होना चाहिए, और आधे कहते हैं कि क्या है अपने भतीजे की बहू और इनसे मिल के रहो, ऐसा कुछ नहीं है, समझाते हैं कुछ तो लोग, है ना, ऐसे होते हैं।
कोई बात बिगड़ती तो आधे बनाते और आधे बिगाड़ते, तो ऐसे ही होता है। तो इस आंट के साथ भी ऐसे हो रहा है। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। फिर वो क्या करती, लास्ट में कहा जाती है अलगू चौधरी किसका दोस्त होता है, जुम्मन उसके दोस्त के पास जाती है। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ आई कैन गो अगेंस्ट हिम। वो कहता है चाची आप जानते हो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ ना। अलगू सेड बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीटेड द ओल्ड लेडी। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ सी सेड। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड कैप्ट रिंगिंग इन द ईयर्स इन हिज ईयर। मतलब उसने कहा भाई देखो तुम चुप ही रहना मेरे साथ, वहाँ चलो ध्यान रखना मम, मतलब चुप ही रहना तो वहाँ देखना मेरे साथ जस्ट क्या होता है, आप पंचायत चलो मेरे साथ, आप कुछ बोलना मत। तो वो सुनता है, कहता है चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। क्या आप सही का साथ दो। फिर देखो सेकेंड पार्ट में क्या होता है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। मतलब वो एक बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है, सब लोग बैठते हैं वहाँ, पाँच लोग बैठते हैं और जुम्मन खड़ा होकर कहता है कि हाँ जो पंचायत की आवाज़ है वो किसकी आवाज़ है, गॉड की। लेट माई आंट डोमिनेट हर हैड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। कि मेरी आंट जिसको भी नॉमिनेट करेगी मैं उसकी बातें मानूंगा, ठीक है। द पंचायत नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, कि पंचायत का ना तो कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस, कि आप क्या सोचते हैं अलगू चौधरी कैसा रहेगा, उसको नॉमिनेट करती है वो। फाइन रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। वो कहता ठीक है, सिर हिलाता और उस पर हंसता आंट पे, कि तो मेरा दोस्त है ना, कौन अलगू चौधरी, ये तो मेरी तरफ ही फैसला करेगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, क्या आपको पता है हम दोनों की दोस्ती है, सैड अलगू। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। क्या मैं जानती हूँ लेकिन तुम लोग किसी का ऐसे विश्वासघात नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए, दोस्त के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, मतलब गॉड भगवान का रहता है हार्ट में रहता है पंच के, एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उनकी आवाज़ होती है किसकी होती है, गॉड की होती है, भगवान की, अल्लाह की होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और वो अपना केस बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू नो, आई एम अ पंच, यू एंड योर सॉरी आंट आर इक्वल बिफोर मी, वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। वो अलगू को कहता है जुम्मन कि देखो अपन दोनों दोस्त हैं लेकिन आंटी भी इतनी अच्छी है तो आप बताओ मैं क्या करूँ। 3 years ago began my aunt transfer her property to me। वो कहता है 3 साल पहले उसने जो है मेरी आंट ने मुझे ट्रांसफ़र की थी प्रॉपर्टी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लीव, जब तक वो जिएगी जब तक मैं उसका क्या करूँगा, सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल between my wife and her but I can't stop it now, my aunt is claiming a monthly allowance from me, this is not possible, that's all I have to say। उसने कहा लेकिन थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी जो मैं उसको रोक नहीं सका, तो अब मेरी आंट गुस्सा है जो मुझसे क्या मांगना चाहती है, अलाउंस मांगती है महीने का खर्चा पानी जो मैं नहीं दे सकता, अब मैं क्या करूँ। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली इन आवर ओपिनियन, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अब वो अलगू चौधरी सब सुनता है, फिर कहता है कि भाई आप सेवा आप नहीं करो, या तो उनको प्रॉपर्टी दे दो या उनको महीने का अलाउंस दो।
नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टूगेदर, मतलब फिर दोनों दोस्त कभी साथ में दिखे नहीं. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी टूट गई. इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड टू इज रिवेंज, मतलब उसका दुश्मन बन गया और उससे क्या करना चाहता था, इस बात का बदला लेना चाहता था. आज अपन यहीं पढ़ेंगे और इसके वर्ड मीनिंग करेंगे. ओके, नेक्स्ट टाइम अगले पढ़ेंगे. नेक्स्ट, थैंक यू. Yes, dear students, it is a word meaning of chapter Fair Play. Okay. Yes, you have to write down chapter Fair Play. First is property, sampati, arrangement, intijam karna, vyavastha karna, grudge, shikayat ki, ya santosh. Hai na, kisi pe problem hoti, jab bhi apan shikayat karte na. Obvious. स्पष्ट रूप से क्या भाई, ये बात है ही, बिल्कुल है, साफ दिखता है. मेक इट अप, समझौता करना. नॉमिनेट, चुनना, किसी को नॉमिनेट करते ना कि भाई मेरे बाद किसका नाम लोगे आप. सेल्डम, कभी कभी. एंड डिवियट, दूर रहना. विचलित. एम्ब्रेस, गले लगाना. रेच, बुरा. स्वालो, बर्दाश्त करना, निकल जाना. जैसे गुस्सा होता है ना, कहते गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा कि निकल जाए यार गुस्सा, क्या मतलब गुस्सा करते हो आप, निकल जाओ यार. पेशेंस, धीरज, बर्दाश्त करना. फैमिली क्या होता है, परिवार. ओके, राइट डाउन करना.